सुहागरात। ये मयूरा नाम की ईंट ओमकार की नफरत की आग में पकी है माँ जी, इतनी जल्दी नहीं टूटेगी। ओमकार जी, आप वहां क्यों खड़े हैं? पास आइए ना। वेलकम टू सुहागरा मेरे प्यारे पतिदेव। याद है ना ओमकार, हमारी पहली वाली सुहागरा, कैसे तुमने मेरी जिंदगी का खास पल मेरे गर्दन पर आए जरा सी राश की वजह से खराब कर दिया था। अपनी जिद की वजह से आज मैंने तुम्हारी जिंदगी का खास पल खराब कर दिया, तुम्हें सुधारने की अपनी जिद की वजह से। पत्नी हूं तुम्हारी ओमकार, इस कमरे में तुम्हारे साथ रहने का हक है मेरा। तुम चाहे जो कर लो मयूरा, पर मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मैं चाहूं ना तो अभी के अभी तुम्हें उठाकर बाहर फेंक सकता हूं। ठीक है, फेंक दो, लेकिन बाहर ना कुछ मीडिया वाले आए। तुम्हारी शादी हुई है ना, तुम्हारी पत्नी का चेहरा देखना चाहते। चलो दिखाओ अपनी पत्नी का चेहरा, चलो चलो चलो। तुम्हें बाहर नहीं फेंक सकता, जब मैं खुद तो बाहर जा सकता हूं ना। अरे ओमकार जी, चलो आज के लिए इतना काफी है। आपका नया दिन, कल कोई नया तरीका सोचूंगी तुम्हें परेशान करने का मेरे प्यारे पतिदेव। और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक तुम सुधर नहीं जाते। गुड मॉर्निंग ओमकार जी। क्या हुआ? आप ही तो कहा करते थे ना कि आपको आपके दिन की शुरुआत मेरा ये चेहरा देखकर करनी होती है। तब तुम्हारा चेहरा बेदाग खूबसूरत था, और अब तुम्हारा चेहरा मेरे लिए मनुष्यत की निशानी बन चुका है। जाओ यहाँ से, नहीं देखना तुम्हारा ये चेहरा। ओंकार, इस चेहरे को मनुष्यत की निशानी तुमने बनाया। इंसान को अपने कर्मों की सजा कभी ना कभी भुगतनी पड़ती है। अब ये चेहरा तुम्हारी सजा है जिसके पार तुम कभी नहीं पा सकते। भूल ही गई मैं, देखिए ना, मैंने आपके नाम का सिंदूर लगाया है। ओमकार जी देखिए ना, ओमकार जी देखिए, एक बार देख तो लीजिए, आपको जैसा पसंद है बिल्कुल वैसा ही लगाया है। लंबा और काढ़ा, याद है ना? और पता है क्यों? क्योंकि आप सिर्फ मेरे हैं ओमकार जी, हमेशा हमेशा के लिए। कल रात को मेरे कमरे को हमारा कमरा बनाने का बहुत शौक था ना, तुम्हें मजबूर किया मुझे मेरे ही कमरे से बाहर निकलने के लिए। मैं भी देखता हूँ तुम्हें इस कमरे से कौन बाहर निकालता है। कम से कम पूरा दिन तुम्हारा ये मनहूस चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा मुझे।
क्या कर रहे हैं? ओमकार, ओमकार दरवाजा खोलो। अब तुम इस कमरे में बंद रहोगी मयूरा। ओमकार, और अंदर ही हो तो कमरे की साफ सफाई भी कर देना। वो फूल तुम्हारे चेहरे की तरह मुरझा गए हैं और मुझे मुरझाए हुए फूल और बदसूरत चेहरा दोनों नापसंद है। ओमकार, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नीचे ओमी का कुछ काम चल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ लगवा दिया है। फटाफट जलेबी आता लो, भोग बनाओ। और ओमकार ने कहा है कि नई शादी होने की खुशी में नर्मदा तट पे सब गरीबों को बटेगा। ठीक है मैम। ओम शांति। घर के किसी भी कोने को उस अपशगुनी मयूरा की नजर ना लगे। ये सिगड़ी अचानक खराब हो गया, अभी तक तो ठीक थी। चाचा कोई बात नहीं, दूसरी सिगड़ी पे चढ़ा लेते हैं, आप हाथ लगाइए मेरे साथ। ओमकार, सोचा नहीं था कि कभी ये दिन भी आएगा, पर अब आ गया है तो कहना ही पड़ेगा ना। धन्यवाद मयूरा जी, मेरे ओमकार की जान बचाने के लिए इस खोलते हुए गरम तेल से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे लिए जो नफरत है मेरे दिल में वो छू मंतर हो गई है। मुझे तेरी शक्ल आज भी बर्दाश्त नहीं है। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो अपने जान बचाने की कीमत का एहसान तुरंत के तुरंत चुकता कर देते हैं। मेरे ओमी की जान बचाने के लिए बख्शीश। तो जिंदगी में कुछ भी कर ले, लेकिन इतना महंगा हार कभी नहीं ला सकती अपने लिए। रख। जी, आपने अपने बेटे की जान की कीमत बस इतनी ही लगाई? आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ जी। मेरे पास भले ये महंगा हार खरीदने के पैसे ना हो, पर आप भी इतनी रईस नहीं है माँ जी कि मेरा आत्मसम्मान खरीद सके।